वेलकम टू द आशिमा शो। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण ने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आंकड़े को पार कर दिया है। दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका भी इस वायरस की चपेट से नहीं उभर पा रहा। संक्रमित लोगों का आंकड़ा अमेरिका में 2.5 लाख को पार कर चुका है। रोज 10 हजारों में नए मामले सामने आ रहे हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि व्हाइट हाउस ऑफिशियल सहित एंथनी फौची का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सिर्फ अमेरिका में 2 लाख तक लोगों की मौत हो सकती है। सरकार को इस बात का भी एहसास है कि आने वाले हफ्तों में देश के ताबूत तक कम पड़ जाएंगे, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर बिल्डिंग पेंटागन से 1 लाख बॉडी बैग की डिमांड की गई है। बॉडी बैग जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है। हालत इतनी खराब है कि सिर्फ 2 हफ्तों में यूएस में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग नौकरी से निकाल दिए गए हैं। भारत में भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स भिन्न राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान का। इंडिया में टोटल कोविड-19 के केसेस 2500 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, जिनमें से 163 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 62 लोग अभी तक इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। इन टोटल केसेस में से ऑलमोस्ट 20% मामले दिल्ली में तबलीगी जमात मीट से जुड़े हुए पाए गए हैं। इस मीट में पहुंचे बहुत से लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था और अभी तक उन संक्रमित लोगों में से लगभग 20 लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। ये नंबर अभी और बढ़ेगा क्योंकि लगभग 8000 लोगों के टेस्ट का रिजल्ट आना अभी बाकी है। जी हाँ, 8000। ये वो लोग हैं जो तबलीगी जमात में शामिल थे और बाकी लोग जो शामिल लोगों के संपर्क में आए। एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत से देश लॉकडाउन के नियमों को लेकर बहुत सख्त हैं। वहां नागरिकों की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही। उदाहरण के लिए फिलीपींस में इस समय कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस 2300 के पार हैं। वहां के प्रेसिडेंट रोडिगो ड्यूटे ने कोरोना वायरस लॉकडाउन रूल्स के उल्लंघनकर्ताओं को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने जाने अनजाने किसी भी तरह की कोई भी परेशानी बढ़ाई तो गोली मार दी जाएगी, शूट टू डेड, और कहा कि चिकित्सा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार एक गंभीर अपराध है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये न्यूज सबके सामने लानी और एक एग्जाम्पल की तरह बतानी बहुत जरूरी है। इंडिया में लगातार देखने में आ रहा है कि लोगों का लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करना, डॉक्टर्स के साथ और जिला प्रशासन की टीम्स के साथ खराब बर्ताव करना जारी है। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ अभी। ये वीडियो है 1 अप्रैल की। यहाँ पर कोरोना वायरस की जांच करने गई टीम के ऊपर लोगों ने हमला किया, पथराव किया। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पुलिस मौजूद थी, उन्होंने सिचुएशन को संभाला और टीम को सुरक्षित वहां से निकलवाया। डॉक्टर्स के ऊपर थूकना, तुम्हारी सारी डॉक्टर ही भुला देंगे जैसे लोगों के कमेंट्स जब सुनने को मिलते हैं, दुख भी होता और हैरानी भी, क्यों नहीं दे पा रहे हम सब अपना सहयोग। दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि सिचुएशन विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। आओ मिलकर इस वायरस से लड़ते हैं, वायरस संबंधित जरूरी बातों का ध्यान रखें। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका कुछ सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अवेयरनेस के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।